आजकल OTT पे बहुत ज्यादा कंटेंट आ रही है, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर मूवीज। वैसे ही आज एक नई दो मूवी आई है, कंजूस मक्खी चूस और चोर निकल के भागा। पर हम बात करने वाले हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में। तो आप अगर कंजूस मक्खी चूस का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल चेक कर सकते हैं, उसका भी हमने रिव्यू किया है। तो खैर चलिए बात करते हैं चोर निकल के भागा मूवी के बारे में, कैसी है मूवी और क्या ये आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं। स्टोरी की अगर बात करें तो अंकित नाम का एक बिजनेसमैन है, उसके ऊपर कुछ लोग डायमंड चोरी करने के लिए दबाव बना रहे हैं। तो वो अपनी मजबूरी एक फ्लाइट अटेंडेंट नेहा को बताता है और दोनों फ्लाइट में डायमंड चोरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं जिससे वो डायमंड चोरी कर सके। पर अफसोस कि तभी फ्लाइट हाईजेक हो जाती है। तो क्या ये लोग डायमंड चोरी कर पाते होंगे या फिर नहीं? तो कौन है प्लेन को हाईजेक करने वाला और क्या होगा आगे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, चाहे वो ट्विस्ट हो या फिर टर्न, आप गेस ही नहीं कर पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यही तो खासियत है मूवी की, और मूवी आपको इंटरटेन करती है, मूवी आपको लास्ट तक बांधे रखती है, बोर नहीं करती है। मूवी में अगर एक्टिंग की अगर बात करें तो यमी गौतम आजकल फैंस को कुछ ज्यादा ही खुश कर रही है उनके एक्टिंग और कंटेंट चॉइस से, चाहे वो ए थर्सडे हो या फिर लास्ट, वो आजकल निराश नहीं करती। उन्होंने इस फिल्म में भी काफी अच्छी एक्टिंग की है और फिल्म में उनकी एक्सप्रेशन की तो अलग ही बात है। सनी ने भी बहुत ही अच्छे से अपने कैरेक्टर को निभाया है, देख के मजा आ जाता है। ओवरऑल ये मूवी एक एंटरटेनिंग मूवी है, और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को तो लगा भी नहीं था कि ये मूवी इतनी अच्छी होगी, पर खैर मूवी मजे देती है तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियोस आते रहते हैं।